Hello, student. How are you? Hope you will be fine. So, student, welcome to our channel Rajeshi classes. So, student, today in this video, we are going to learn 6th standard geography lesson number 1 the earth and the gratitude. So, this is the third lecture of this lesson.

वीडियो आपको मिलते रहेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना है इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और बेल बटन पर भी क्लिक करना है और उस पे ऑल पे जाकर क्लिक करना है जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलते रहेंगे तो शुरू करते हैं द अर्थ एंड ग्रेटिक्यूल का थर्ड लेक्चर तो स्टूडेंट इसके जो हमने दो पार्ट बनाए थे उसमें हमने क्या देखा था तो स्टूडेंट हमने जो है इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट में देखा था कि ग्लोब क्या है ग्लोब जो एग्जैक्ट लोकेशन के लिए जो है हम यूज़ करते हैं जो हमारे जाग्रफ़र्स ने जो है बनाया था ठीक है नेक्स्ट जो है नेक्स्ट हमने देखा था कि एंगुलर डिस्टेंस के बारे में जो है हमने पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि जो भी कोई प्लेस है कोई भी एक प्लेस है जिसका एग्जैक्ट लोकेशन अगर हमें देखना है तो उस प्लेस से जो है सेंटर ऑफ अर्थ पे जो है हमें एक स्ट्रेट लाइन लेना है और ये जो एंगल बनता है तो इससे जो है हमें एक एग्जैक्ट पोजीशन जो है उस प्लेस की जो है वो मिल जाती है इसके बारे में हमने यहाँ पर देखा था नेक्स्ट जो है हमने देखा था कि ये जो इक्वेटर है इक्वेटर पर जो भी पैरल्स बनते हैं सर्टन डिस्टेंस पे जो भी हम यहाँ पे एंगुलर डिस्टेंस देख रहे हैं टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी ये जो एंगुलर डिस्टेंस देख रहे हैं तो यहाँ पे जो है जो पैरल तो ये जो पैरल्स बनते हैं इसे जो है पैरल्स ऑफ दिस लैटिट्यूड कहा जाता है ठीक है नेक्स्ट हमने यहाँ पर देखा था इसका वैल्यू जो है ये जो पैरल्स है इसका वैल्यू जो है इक्वेटर पर जो है ज़ीरो होता है और फिर जो है नॉर्थ पोल की तरफ जब जाता है तो वो इंक्रीजिंग होते हुए जाता है और इसे जो है एक्सप्रेस कैसे किया जाता है डिग्री से एक्सप्रेस किया जाता है जैसे कि जीरो डिग्री टेन डिग्री ट्वेंटी डिग्री थर्टी डिग्री फोर्टी डिग्री लाइकवाइज तो इसके बाद में जो है हमने देखा था कि इक्वेटर जो है अर्थ को दो भागों में डिवाइड करता है दैट इज नॉर्थ एंड साउथ तो ये जो नॉर्थ और साउथ जो पार्ट उसके पड़ते हैं आ, अर्थ के तो ऊपर के जो नॉर्थ पार्ट को जो है नॉर्थन हेमिस्फीयर कहा जाता है और नीचे जो है नीचे का जो पार्ट होता है उसे नीचे का जो पार्ट होता है उसे जो है साउथन हेमिस्फीयर जो है कहा जाता है हु? मतलब ये साउथर्न हेमिस्फीयर होता है और ये नॉर्थन हेमिस्फीयर ठीक है हु? और ये जो नॉर्थन हेमिस्फीयर पे जो भी पैरेलल्स है वो जो है द पैरेलल्स बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर होते जाते हैं और ये इस एक्सिस पे नॉर्थ के आ, इस एक्सिस पे जो है वो पॉइंट बन के रहता है ठीक है वैसे ही साउथ पे भी साउथ हेमिस्फीयर पे भी ये जो पैरेलल्स है वो जो है छोटे-छोटे होते जाते हैं और फिर एक्सिस पे जो है ये पॉइंट होता है तो इस पॉइंट्स को जो है नॉर्थ पोल कहा जाता है और इस पॉइंट को जो है साउथ पोल जो है कहा जाता है ठीक है तो ये भी हमने जो है इसके इसके सेकंड पार्ट में वीडियो के हमने देखा था ठीक है हुँ? नेक्स्ट uh, हमने यहाँ पे देखा था कि ये जो पैरल है ये पैरल जो इक्वेटर से नॉर्थ और साउथ पोल पे जितने भी पैरेलल्स हैं ये जो भी एंगुलर डिस्टेंस पे होंगे जैसे कि यहाँ पे थर्टी डिग्री एंगल पर ये जो हमें पैरल दिख रहा है तो ये जो है यहाँ पर आने वाले जितने भी प्लेसेस हैं हैं वो थर्टी डिग्री नॉर्थ ही जो है कहे जाते हैं और यहाँ इसके आगे जो है हमने एक एक्टिविटी देखी थी ऑरेंज से रिलेटेड थी अर्थ के मॉडल से जो है इसे कंपेयर किया गया था और जो है इसके बाद में हमने देखा था दूसरी एक एक्टिविटी जो पैरल्स पे प्लेन पे न, प्लेन पे जो भी आ, प्लेसेस के एंगल्स बनते हैं तो वो जो है आ, सेम होते हैं मतलब यहाँ पे 50 डिग्री है तो 50 डिग्री होता है ये 50 डिग्री है तो यहाँ पे भी 50 और ये एंगल अगर 50 डिग्री का है तो ये 50 डिग्री होता है ठीक है नहीं जो डिस्टेंस है इसके हैं जैसे कि यहाँ पे आ, आप देख रहे हो ए सी डी सी और जी आई है तो ये डिस्टेंस जो है वो अलग अलग होते हैं क्योंकि हमारा अर्थ जो है वो सर्कुलर होने की वजह से वो जो डिस्टेंस है वो अलग अलग होता है, है? पर एंगल्स जो है वो सेम होते हैं ये हमने यहाँ पे देखा था नाउ वी कंटिन्यू फ्रॉम हियर डू इट यूर सेल्फ यूज़ फिगर वन पॉइंट नाइन टू डू द फॉलोइंग तो ये यह जो यहाँ पे फिगर दिया है वन पॉइंट नाइन इसको जो है यूज़ करके हमें जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है वो करना है लेट द लाइन ए एम बी ज़ीरो डिग्री यहाँ पे जो है जीरो डिग्री पे हमें सेंटर ऑफ पॉइंट जो है अर्थ का वहाँ से एम से जो है एक लाइन लेनी है एम ए एम ठीक है नेक्स्ट ड्रॉ द लाइन एम बी अब जो है यहाँ पे एक पॉइंट लिया है हमने बी वहाँ पे जो है लाइन देनी है यहाँ पे खींचनी है एम बी ठीक है एंड मेजर द एंगल इट मेक्स विद द लाइन ए एम और यहाँ का जो एंगल बन रहा है, है? जो लाइन ए एम से अटैच हो रहा है मतलब ए एम बी जो एंगल uh, uh, बन रहा है वहां पे जो भी एंगल uh, मेजर करने के बाद में हमें फाइंड आउट होता है वो यहाँ पर लिखना है ठीक है नोट द नोट द सेमी सर्कल दैट पासिस थ्रू बी एंड जॉइंट द नॉर्थ एंड एंड ज्वाइंट द नॉर्थ एंड साउथ पोल तो यहाँ पे क्या करना है हमको इस बी पॉइंट से जो है इस बी पॉइंट से एक सेमी सर्कल बनाना है hmm? इस बी पॉइंट से जो है एक सेमी सर्कल बनाना है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो है हमें अटैच करना है तो इस तरह से जो है ये सेमी सर्कल यहाँ पर बन रहा है ठीक है नेक्स्ट hmm? हमें क्या बताया गया है यहाँ पे? Hmm? आ, नाउ जॉइन एम सी अब जो है हमें एम सी को ज्वाइन करना है सी जो एक पॉइंट दिया हुआ है उससे इक्वेटर पर तो वहाँ पर एम सी को हमें ज्वाइन करना है और मेज़र एंगल ए एम सी और वो जो एंगल बन रहा है ए एम सी उसको मेज़र करना है और वो जो है जो भी एंगल बनता है वो सी के पास में हमें लिखना है ड्रॉ अ सेमी सर्कल फ्रॉम पासिस थ्रू सी अब फिर से जो है एक सेमी सर्कल वहाँ पर भी बनाना है एंड जॉइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल और उसी तरह से ज्वाइन करना है नॉर्थ और साउथ पोल को जैसे कि यहाँ पे सी पॉइंट जो है इक्वेटर पे दिया हुआ है तो हमें क्या करना है एम और सी को जो है यहाँ पे जॉइंट करना है और फिर ये जो एंगल बन रहा है ए एम और सी का वो जो है यहाँ पर हमें लिखना है जो भी एंगल बन रहा है वो और फिर जो है यहाँ इस पॉइंट से हमें एक फिर से सेमी सर्कल बनाना है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे जो है ये इस तरह से जो है आ, सेमी सर्कल जो है नॉर्थ से साउथ पोल को हमें ज्वाइंट करके बनाना है ठीक है नेक्स्ट जो है यहाँ पे दिया हुआ है ड्रॉ अ लाइन दैट पासिस थ्रू पॉइंट ए एट जीरो डिग्री अब ज़ीरो डिग्री पे ज़ीरो डिग्री पे ए है यहाँ पर तो यहाँ पे भी जीरो डिग्री पे जो है यहाँ पर ए है तो यहाँ पे भी जो है हमें नॉर्थ और साउथ पोल से इसे जो है अटैच करना है ग्ण? यहाँ पे इस तरह से है ना तो यहां पे जो है इस तरह से जो है थ्री सेमी सर्कल्स बन चुके हैं एक तो ये बी से गया हुआ है एक ए से गया हुआ है और ये जो है एक सी से हमने जो है लिया है तो इस तरह से जो है हम जो है इस इक्वेटर पे ये जो इक्वेटर पे ए के साइड में हम जितने भी पॉइंट्स लेंगे यहाँ पे तो वैसे वैसे जो है हमारे एंगल्स बनते जाएंगे सेंटर से और जो जो एंगल बनते जाएंगे तो वहाँ पे जो है हमें इस तरह से जो है सेमी सर्कल्स जो है बनाते जाने हैं तो हर एक एंगल पे जितने भी सेमी सर्कल बन रहे हैं तो इस तरह से हमें उसे नॉर्थ नौ, पोल और साउथ पोल से जो है जॉइंट है करने हैं ठीक है तो ये यह, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो इसका एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पर दिया हुआ है आ,

सी पे ठीक है तो इस तरह से जो है बना के हमने सेमी सर्कल बनाए थे फिर थ्रू दिस पॉइंट वी कैन ड्रॉ सेमी सर्कल ज्वाइनिंग बोथ द पोल यहाँ से हमने सेमी सर्कल्स बनाए थे जो दोनों पोल पर हमने जो है जॉइंट किए थे नॉर्थ और साउथ पोल पे ठीक है तो इस तरह से ज्वाइन किए थे स्टार्टिंग विद पॉइंट ए वी कैन ड्रॉ सिमिलर सेमी सर्कल थ्रू पॉइंट प्लेसेस एट ईच डिग्री हर एक डिग्री पे मतलब सी पे जो भी एंगल आया था जो भी थर्टी डिग्री फोर्टी डिग्री जो भी एंगल आया था या फिर बी पे जो भी डिग्री एंगल आया था या ए पे जो है जीरो डिग्री था तो ऐसे ही हर एक प्लेस पे जो भी एंगल आएगा जो भी डिग्री का एंगल आएगा वहाँ पे जो है हमने है, अगर हम जो है वहाँ पे सेमी सर्कल्स बना सकते हैं दिस सेमी सर्कल्स आर नोन एज मेरिडियंस ऑफ अ लॉन्जिट्यूड और इसे ही जो है क्या कहा जाता है ये मेरिडियंस ऑफ अ लॉन्जिट्यूड कहा जाता है इसको ठीक है ऐसे ही हमने जो है इसके पहले क्या देखा था पैरलर्स ऑफ लैटिट्यूड देखा था हाँ तो उसमें हमने कैसे पैरलर्स बनाए थे इक्वेटर से जो है इक्वेटर से जो है ये पैरल्स जो है हमने बनाए थे साउथ हाँ, पोल की तरफ और नॉर्थ पोल की तरफ यहाँ पे इस तरह से पैरल्स जो है वो बने थे ठीक है हाँ, और इसे हमने क्या कहा था पैरल्स ऑफ लैटिट्यूड और ये जो अब अब हम देख रहे हैं इसे जो अब सेमी सर्कल्स हम देख रहे हैं इसे क्या कहा जाता है मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड जैसे कि हाँ, आप इसके पहले का जो फिगर है वो हम देखेंगे इसमें हमने देखा था ये जो है पैरल्स ऑफ टीट्यूड जो है इसे कहा जाता है और ये जो दिख रहे हैं आपको ये है है मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड इसे क्या कहा जाता है मेरिडियन तो ये जो वर्टिकल लाइन्स है उसे मेरिडियन कहा जाता है और ये जो हॉरिजेंटल लाइन्स जो है हमको दिख रही है इसे पैरल कहा जाता है ठीक है तो आगे हम देखते सो वन ऑफ दिस मेरिडियंस इज कंसिडर्ड टू बी जीरो डिग्री अब इसमें जो है जो एक मेरिडियन होता है वो जीरो डिग्री होता है जो बीच में हमने देखा था आ, आ, ए पॉइंट पे तो ये जो है जीरो डिग्री होता है ठीक है एंड इट इज नोन एज द प्राइम मेरिडियन और इसे क्या कहा जाता है प्राइम मेरिडियन ठीक है देन सो द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द अदर मेरेडियंस फ्रॉम द प्राइम मेरेडियंट आर मेजर्ड इन डिग्री एंड इट कॉल्ड अ लॉन्जिट्यूड और ये जो प्राइम uh, मेरिडियन है उसके साइड में दोनों साइड में जो है जो भी एंगुलर डिस्टेंस पे जो मेरेडियंस uh, uh, आते हैं उसे हम uh, जो है कैसे मेजर करते हैं जीरो डिग्री से मेजर करते हैं जैसे कि ये जो है हमारा प्राइम मेरेडियन है और एंगुलर डिस्टेंस पे ये जो भी मेरेडियंस uh, आ रहे हैं तो इसे जो है हम डिग्री में मेजर करते हैं और इसे जो है क्या कहा जाता है लॉन्जीट्यूड कहा जाता है ठीक है है कहा जाता है. और जो हमने से देखे थे हैं तो उसे जो है क्या कहा जाता है लैटीट्यूड कहा जाता है जो हमने इसके पहले के वीडियो में देखा था ठीक है यू हैव डन दिस इन एक्टिविटी बेस्ड ऑन फिगर 1.9, 1.9 में हमने जो है वो जो डिग्रीज बनाए थे उसमें हमने जो है इसको किया है द जीरो डिग्री एंड 180 एटी डिग्री मेरिडियंस लाई अपोजिट ऑफ द ग्लोब अब ये जो ग्लोब होता है हमारा जैसे कि ये हमारा ग्लोब है तो यहाँ पे जो है ये प्राइम मेरिडियन है जो जीरो डिग्री पे होता है तो इसके इस साइड में मतलब ये जो ईस्ट साइड है और ये वेस्ट साइड है ये नॉर्थ और ये साउथ है तो ये ईस्ट साइड में जो है ज़ीरो डिग्री से वन एटी जो है मेरिडियन वन एटी डिग्री मेरिडियंस होते हैं टोटल जो है जीरो से लेके तो 180 डिग्री मेरिडियंस होते हैं इधर भी जो है ज़ीरो से लेके 180 डिग्री मेरिडियंस जो है इधर होते हैं दोनों साइड में दिस सर्कल्स डिवाइडेड द अर्थ इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिसफियर और ये जो सर्कल है, है ये मेरिडियन जो है ज़ीरो डिग्री मेरिडियन जो है वो इसको डिवाइड कर रहा है ईस्टर्न हेमिसफियर और आ, जो है ये वेस्टर्न हेमस्फियर ठीक है हाँ ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जो है इसको डिवाइड कर रहा है जैसे कि हमने इक्वेटर्स जो है इक्वेटर भी जो है वो ग्लोब को मतलब अर्थ को जो है डिवाइड करता है इक्वेटर नॉर्थ हेमिस्फीयर और जो है साउथ पे है वैसे ही जो है मेरेडियन भी डिवाइड कर रहा है दो पार्ट में ईस्ट हेमिस्फीयर और जो है वेस्ट हेमिस्फीयर ठीक है ऑल मेरिडियंस आर इक्वल इन साइज और ये जो मेरिडियंस uh, है, है सभी जो है वो इक्वल साइज के होते हैं ठीक है नेक्स्ट मेरिडियन इन ईस्टर्न हेमिसफियर आर लेबल्ड एज जीरो डिग्री ईस्ट ट्वेंटी फाइव डिग्री ईस्ट वन थर्टी फाइव डिग्री ईस्ट एटसेट्रा वाइल इन द वेस्टर्न हेमिसफियर दे आर लेबल्ड एज टेन डिग्री वेस्ट ट्वेंटी फाइव डिग्री वेस्ट वन थर्टी फाइव डिग्री वेस्ट एटसेट्रा तो जैसे कि हमने पैरल्स uh, uh, में भी देखा था हाँ किन हेमिस्पियर पे पैरल्स है वो जो है uh, वो कैसे लेबल किए जाते हैं टेन डिग्री नॉर्थ फिफ्टीन डिग्री नॉर्थ थर्टीन डिग्री नॉर्थ लाइक दिस ठीक है वैसे ही जो है साउथन हेमिस्फीयर पे जो है टेन डिग्री साउथ फिफ्टीन डिग्री साउथ थर्टीन डिग्री साउथ इसी तरह से जो है पैरलर्स में देखा था वैसे ही जो है यहाँ पे जो मेरिडियंस है वहाँ पे भी जो है जो भी एंगल्स जो है ईस्टर्न साइड में आते हैं और जो भी एंगल्स वेस्टर्न साइड में आते हैं उसे जो है कैसे रेफर किया जाता है जैसे कि ईस्ट साइड के जो भी एंगल्स है उसे टेन डिग्री ईस्ट ट्वेंटी फाइव डिग्री ईस्ट थर्टी डिग्री ईस्ट इस तरह से रेफर किया जाता है और जो वेस्ट साइड के जो भी एंगल्स मेरिडियंस है वो जो है टेन डिग्री वेस्ट ट्वेंटी फाइव डिग्री वेस्ट इस तरह से जो है उसे लेबल किया जाता है ठीक है नेक्स्ट जो है थर्टी डिग्री ईस्ट इज द सेमी सर्कल दैट जॉइंट ऑल प्लेसेस एट एन एंगुलर डिस्टेंस आप थर्टी डिग्री From the prime meridian, Some of them are Cairo, Harare and प्राइम मेरेडियन समेमरो अफ्रीका तो ये वन पॉइंट सिक्स figure में जो है वो दिया हुआ है हम देखते हैं उसे तो यहाँ पे आप देख रहे हो 30 डिग्री ईस्ट लॉन्जीट्यूड ये जो longitude दिख रहा है 13 डिग्री uh, 30 डिग्री ईस्ट का ये जो लॉन्जीट्यूड है इसमें जो है प्राइम मेरिडियन से मतलब ये जो प्राइम मेरिडियन है यहाँ से जो है ये थर्टी डिग्री पे आ रहा है ये मेरिडियन ये जो मेरिडियन है वो थर्टी डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड क्योंकि ईस्ट साइड में है इसीलिए इसे क्या क्या लेबल किया है ईस्ट लॉन्जीट्यूड तो यहाँ पे जो है जो भी प्लेसेस आ रहे हैं जैसे कैरो है न? Uh, केरो जो है यहाँ पे आ रहा है नेक्स्ट हरारे जो है यहाँ पे आ रहा है देन uh, डर्बन जो है वो यहाँ पे आ रहा है ये सब प्लेसेस जो है इस थर्टी डिग्री लॉन्डीट्यूड पे जो है हमको दिख रहे हैं ठीक है दो द अर्थ इज़ ह्यूज इन साइज अर्थ जो है हमारा बहुत बड़ा है, है? उसका साइज जो है बहुत बड़ा है सो वी कैन टेल द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द प्लेस ऑन द अर्थ यूजिंग लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड तो यहाँ पर जो है इतने बड़े अर्थ पर जब हमें एग्जैक्ट लोकेशन किसी भी प्लेस की देखना है तो वो हम जो है लेटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के जरिए जो है वो देख सकते हैं सो नो डैट द डिस्टेंस बिट्वीन टू एडजस्टेंट पैरल इज द सेम एवरीवेयर बट दस बिटवीन टू एडजोर्टेंट बात कही है ये जो है मतलब ये जो दो का डिटेंस है ये दो का डिटेंस ये जो है आ, सेम होता है बट ये जो मेरिडियंस होते हैं तो आ, ये मेरिडियन का जो डिस्टेंस है हैं मतलब ये मेरिडियन का डिस्टेंस ये है उसके बाद में ये है तो ये जो मेरिडियन का जो डिस्टेंस है मतलब ये दो मेरिडियंस का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का वो कभी भी सेम नहीं होता है बट जो पैरल्स है, है जो पैरल्स का जो डिस्टेंस है ये वाला ये सेम होता है, है? मतलब एडजस्ट एंड पैरल जो भी होते हैं इसका डिस्टेंस सेम होता है लेकिन जो है मेरिडियंस का डिस्टेंस कहीं पर भी जो है सेम नहीं होता है सो वी कैन सी दिस इवन ऑन द सेगमेंट ऑफ एन ऑरेंज तो इसको जो है हम ऑरेंज uh, का जो हमने एक्सपेरिमेंट uh, देखा था इसके पहले के वीडियो में वहा उसमें भी जो है ये क्लियर होता है द डिस्टेंस बिटवीन द मेरिडियंस इज़ द मैग्जिम ऑन द इक्वेटर एंड गोज ऑन रिड्यूसिंग टूअर्ड्स द पोल अब ये जो इसका पे इसका जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम होता है मेरिडियंस का जो डिस्टेंस है वो इक्वेटर पे जो है वो ज़्यादा होता है एंड गोज ऑन रिड्यूसिंग टुवर्ड्स द पोल और फिर बाद में जो है पोल की तरफ जो है इसका डिस्टेंस जो है वो कम कम होते जाता है जेरो मेरिडियंस है इस तरह के तो इसका जो डिस्टेंस है ये इक्वेटर पे जो है बहुत ज़्यादा होता है मतलब ये जो पार्ट है यहाँ पे जो है इक्वेटर पे इसका डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और देन धीरे धीरे जो है यहाँ पे कम कम होते जाता है यहाँ पे जो है वो एकदम कम हो जाता है ठीक है तो इस तरह से जो है हमें बताया गया है कि मेरिडियन का जो डिस्टेंस है दो पैर दो मेरिडियंस का वो जो है एग्जैक्ट नहीं होता है और पैरल का जो डिस्टेंस है वो एग्जैक्ट होता है ठीक है एट द पोल इट इज जीरो और पोल पे जो है इसका जो डिस्टेंस है वो जीरो हो जाता है हा? मतलब ये दोनों पोल पे हैं इसका जो डिस्टेंस है वो जीरो हो, जीरो हो जाता है यहाँ पे ठीक है नेक्स्ट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजस्टन पैरल इज वन हंड्रेड एंड इलेवन किलोमीटर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ सर्फेस ऑफ अर्थ से जो है ये जो दो एडजेसेंट पैरेलल्स है ये इक्वेटर है हमारा दो एडजेसेंट पैरेलल्स का जो डिस्टेंस है मतलब ये जो डिस्टेंस है यहाँ का तो ये जो है कितना होता है वन हंड्रेड एंड एलेवन किलोमीटर होता है ठीक है अर्थ टू एडजेसेंट मेरिडियन इज ऑल्सो वन हंड्रेड एंड एलेवन किलोमीटर ऑन इक्वेटर और ये जो है दो मेरिडियन का ये जो डिस्टेंस है इक्वेटर पे तो वो भी जो है वन हंड्रेड एंड इलेवन होता है मतलब इस पोजीशन पे जो है वो वन हंड्रेड एंड इलेवन होता है इक्वेटर के पोजीशन पे यहाँ पे दो मेरिडियन का डिस्टेंस लेकिन बाद में जो है ये कम हो जाता है मतलब इधर ये जो पोर्शन है इक्वेटर के बाद का तो यहाँ पे ये कम हो जाता है ठीक है समझ में आ चुका होगा आपको तो टू लोकेट द प्लेसेस विद इन दिस डिस्टेंस ऑफ वन हंड्रेड एंड एलेवन किलोमीटर एग्जैक्टली वी नीड टू डिवाइड द यूनिट डिग्री इंटू स्मॉलर यूनिट अब ये जो uh, अगर कोई डिस्टेंस हमें लोकेट करना है हमको अगर दो मेरिडियन के बीच में का जो भी डिस्टेंस uh, है जो दिया हुआ है और uh, अगर इस uh, uh, पोजीशन पे मतलब इस प्लेस पे अगर हमें कोई लोकेशन देखना है तो ये जो इसका डिस्टेंस है वन हंड्रेड एंड इलेवन किलोमीटर का तो इसको जो है हमें क्या करना पड़ेगा इसको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा ठीक है, है ये डिस्टेंस जो है वो 111 किलोमीटर है तो अगर एग्जैक्ट कोई हमें अगर प्लेस देखना है जैसे यहाँ पे ये जो पॉइंट दिया है मैंने वहाँ पे अगर हम कोई प्लेस देखना है तो इसको जो है हमको क्या करना पड़ेगा फिर से डिवाइड करना पड़ेगा हाँ यूनिट्स में ठीक है सो डिग्री आर डिवाइडेड इनटू मिनट्स और फिर जो है ये डिग्री जो है उसको डिवाइड करके हमको मिनट्स में बदलना पड़ेगा एंड मिनट्स इनटू सेकंड और मिनट्स को जो है सेकंड में डिवाइड करना पड़ेगा तो कन्वें कन्वेंशनली लैटिट्यूड एंड लॉन्डिट्यूड आर एक्सप्रेस इनटू डिग्रीज मिनट्स एंड सेकंड और इसलिए जो है ये जो लैटिट्यूड एंड लांडीट्यूड जो हम देखते हैं उस एरिया के एग्जैक्ट पोजीशन के लिए उसको जो है हमें डिग्री पे डिग्री में मिनट में और सेकंड में जो है उसको डिवाइड करना होता है ठीक है सो ईच डिग्री इज़ डिवाइडेड इंटू सिक्सटी मिनट और हर एक डिग्री जो है वो कितने में डिवाइड होता है सिक्सटी मिनट में डिवाइड होता है एंड मिनट इंटू सेकंड और एवरी मिनट इज़ डिवाइडेड इंटू सिक्सटी सेकंड सो दीज वैल्यूज़ आर एक्सप्रेस यूजिंग द सिम्बॉल और ये जो वैल्यू जो है हमें अगर एक्सप्रेस करना है तो सिम्बॉल यूज़ करना पड़ेगा तो वो कौन से सिम्बॉल्स होते हैं तो वो है जैसे ट्वेल्व डिग्री फिफ्टीन मिनट है तो यहाँ पे जो है मिनट का जो सिंबल है वो इस तरह से बताया जाता है और जैसे कि एट सेकंड है तो ये जो है हमें इस तरह से जो है उसको लिखना होता है ठीक है तो डिग्री हो गया ये मिनट हो गया और ये जो है सेकंड हो गया इस तरह से हमको उसको एक्सप्रेस करना होता है ठीक है नेक्स्ट आ... इन ऑल वी कैन ड्रॉ थ्री सिक्सटी मेरीडियंस ईच एट अ डिस्टेंस ऑफ वन डिग्री अगर डिग्री के डिस्टेंस से अगर हम थ्री सिक्सटी मेरीडियंस अगर बनाते हैं तो जीरो डिग्री प्राइम मेरीडियंस आता है उसमें मतलब पहला जो मेरिडियन है वो कितना वो कहाँ से शुरू होगा जीरो डिग्री से शुरू होगा एंड वन एटी मेरीडियंस जो है इधर ये साइड में जो है वन ऐटी मेरीडियन्स हो गए और उसके इस साइड में जो है वन एटी मेरिडियंस होंगे ठीक है वन डिग्री ईस्ट टू वन सेवनटी नाइन डिग्री ईस्ट मेरिडियन वी हैव वन सेवनटी नाइन मेरिडियन इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर तो यहाँ से ज़ीरो डिग्री से जो है आ, हम अगर यहाँ पर लेते हैं तो वह कितने होते हैं वन सेवनटी नाइन मतलब वन एटी पकड़ो आप वन सेवनटी नाइन मेरिडियंस ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे होते हैं और जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे होते हैं और 179 मेरिडियंस जो है यहाँ पर वेस्टर्न हेमिस्फीयर 180 जो है मेरिडियंस जो है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे होते हैं ठीक है वन डिग्री वेस्ट टू वन सेवनटी नाइन डिग्री वेस्ट मेरिडियंस दन सेवनटी नाइन मेरिडियंट इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर तो ये आपको समझ में आ चुका है नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे जो है डू यू नो दिया हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जेक्टिव मेरिडियंस इज डिफरेंट ऑन डिफरेंट पैरल्स तो ये जो uh, मेरिडियंस का जो डिस्टेंस है हर एक पैरेलल पे जो है वो अलग अलग है इट इज़ मैक्सिमम ऑन द इक्वेटर एंड इट इज़ ज़ीरो ऑन बोथ द पोल तो ये जो मैक्सिमम जो है हमने देखा अभी इसके पहले कि मैक्सिमम जो है वो इक्वेटर पे है एंड दोनों पोल पे नॉर्थ और साउथ पोल पे वो ज़ीरो हो जाता है जैसे कि ये जो है ये मेरीडियंस जो है इस तरह से तो ये जो है इक्वेटर पे जो है इसका डिस्टेंस जो है मैक्सिमम होता है इक्वेटर पे ये मैक्सिमम डिस्टेंस होता है इसका ये दिख रहा है आपको और जैसे जैसे ये नीचे आते जाएंगे तो ये कम कम होते जाता है और साउथ पोल पे वो ज़ीरो हो जाता है और नॉर्थ पोल पे भी वो ज़ीरो हो जाता है ठीक है ये हमने देखा तो इक्वेटर इक्वेटर पे उसका जो है 111 किलोमीटर डिस्टेंस होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन में 102 किलोमीटर होता है और पोलर सर्कल पे आर्कटिक एंड अंटार्कटिक पे 44 किलोमीटर होता है और पोल्स पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जीरो डिग्री जीरो किलोमीटर होता है जो पोल्स होते हैं यहाँ पे जो है वो ज़ीरो डिग्री होता है देन पोलर सर्कल्स पे जो है वो फोर्टी किलोमीटर होता है, है और इक्वेटर पे जो है 111 होता है हंड्रेड एंड इलेवन कैंसर और कैप्रिकॉन में वो जो है, है? होता है ठीक है तो इस तरह से इसका डिस्टेंस होता है नेक्स्ट जो है यहाँ पे दिया हुआ है द ग्रेटिक्यूल अब यहाँ पे जो है ग्रेटिक्यूल जो है वो दिया हुआ है ये देख रहे हो आप ग्लोब इस पे जो है आप देख रहे हो ये मेरिडियंस देख रहे हो ये और ये जो है पैरल्स देख रहे हो पूरा सर्कल जो है इस ग्लोब में जो है हमको हम फाइंड आउट कर सकते हैं लेकिन एक्चुअल अर्थ पे जो है हम इसे नहीं कर सकते हैं ठीक है तो इस तरह से ये पूरा सर्कल जो है हम इस पर देख सकते हैं

लोकेशन ऑफ अ प्लेस और ये जो फैसिलिटीज है इसकी मेरिडियन और पैरेलल की नहीं? जो हमें एग्जैक्ट पोजिशन जो है बताता है वन पॉइंट टेन का जो ये फिगर हम देख रहे हैं इसमें ये बताया गया है दस वी यूज लैटिट्यूड एंड लॉन्जीट्यूड फॉर डिटरमाइंग द लोकेशन ऑन द अर्थ तो इससे जो है हम लैटिट्यूड और लॉन्जीट्यूड से नहीं? जो है एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अर्थ का जो है वो निकाल सकते हैं दिस मेथड इज बींग यूज इवन इन टू डेज मॉडर्न एज क्वाइट इफिशियंटली और यही मेथड जो है ग्लोब का जो अब आ, हम मॉडर्न इंडिया में जो है आ, हम यूज कर रहे हैं ठीक है, है? तो आ, जिसे क्या कहा जाता है जोग्रफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जी कहा जाता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या जी सिस्टम बोला जाता है ये हम मॉडर्न इंडिया में जो है आज यूज़ कर रहे हैं एज आल्सो गूगल मैप या फिर गूगल मैप पर भी जो है आजकल हमारे मोबाइल पे आ चुका है कंप्यूटर uh, मोबाइल पे आ चुका है तो उसमें भी जो है हम एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो देख सकते हैं विकीमेपिया एंड भुवन ऑफ आई एस आर ओ ऑन द इंटरनेट आल्सो मेक यूज टू लैटिट्यूड एंड लॉन्जीट्यूड ये जो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड का जो ग्लोब पे हमने uh, जो एक सिस्टम बनाया है वही जो है, है अब जो है विकीपीडिया जैसे भुवन आई एस आर ओ ऑन द इंटरनेट आल्सो मेक यूज मतलब वहां पर भी जो है इसका यूज किया जाने लगा है नेक्स्ट जो है दिस दिस टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी इज इज आल्सो आल्सो अवेलेबल अवेलेबल ऑन द मोबाइल फोन एंड मोटर कार मोटर कार पे मोबाइल पे भी जो है ये हमको आजकल दिख रहा है ये जीपीएस इंस्ट्रूमेंट जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है नेक्स्ट जो है डू यू नो दिया हुआ है इंडियन रीजनल पोजिशनिंग सिस्टम IRPS. इंडिया हैज़ अचीव सेल्फ रिलायंस इन ग्लोबल पोजिशनिंग टेक्नोलॉजी इंडिया जो है uh, एक सेल्फ रिलायंस हो गया है uh, किसकी वजह से ग्लोबल पोजिशनिंग टेक्नोलॉजी की वजह से uh, तो विद द हेल्प ऑफ द आई आर एन एस एस इंडियन रीजनल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम ये जो है आई आर एन एस एस तो इसके हेल्प से जो है लोकेटिंग एनी प्लेसेस इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज गोइंग टू बी ईजी मतलब हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट का कोई भी प्लेस अगर हमें देखना है तो आई से ये पॉसिबल हो चुका है फॉर दिस इंडिया इज लॉन्चिंग इट्स ओन सीरीज ऑफ आर सेवन सेटेलाइट और इसके लिए जो है इंडिया ने सेवन सीरीज सेटेलाइट जो है वो लॉन्च किए हैं इट विल देन बी पॉसिबल टू लोकेट एनी प्लेस इन द रीजन ऑफ अर साउथ एशिया एंड इंडियन ओशियन प्रिसाइजली जिससे कि ये सेवन सैटेलाइट का सीरीज जो है जिससे साउथ एशिया के कोई भी प्लेसेस को हम लोकेट कर सकते हैं एंड द इंडियन ओशियन और इंडियन ओशियन के भी जो है प्लेसेस हम लोकेट कर सकते हैं तो यहाँ पे जो है ये लेसन जो है खत्म हो चुका है यहाँ पे एक्सरसाइज भी दी हुई है तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो एक्सरसाइज में तो जो है आ, मैं आपको जो है उसे सॉल्व करने में हेल्प करूँगी तो स्टूडेंट यहाँ तक का पार्ट जो है आ, मतलब इसका थर्ड पार्ट जो है आ, आ, आपको समझ में आ चुका होगा ऐसे उम्मीद करती हूँ तो स्टूडेंट अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना मत भूलना जिससे कि हमारे सारे रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके सो टिल देन कीप वॉचिंग राजर्षि क्लासेस हैव अ नाइस डे